हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर फर्स्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड की विशेषताएं क्या हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। लेट्स सी द आंसर। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में मिडिल इंग्लिश पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएँ हैं, आर यूज ऑफ राइम। राइम में उनका यूज हुआ, इन पोइट्री, पोइट्री में, रिलीजियस इन्फ्लुएंस में, द इमरजेंस ऑफ एंटी रिलीजियस टोन इन राइटिंग में, बिगनिंग ऑफ द ड्रामाज में, एंड प्रिंटेड टेक्स्ट में, ईटीसी। और भी कुछ यूज इसका किया गया। आइए जानते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड की विशेषताएँ क्या थी। फर्स्ट हेडिंग है, यूज ऑफ राइम इन पोइट्री, पोइट्री में राइम का प्रयोग। द मेन फोकस ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का जो मेन फोकस था वॉज एलिट्रेशन, वो एलिट्रेशन पर था, अनुप्रास पर था। वेयर एज द मिडिल इंग्लिश पोइट्री, जहाँ पर मिडिल इंग्लिश पोइट्री ने एम्फेसाइज्ड किया, मतलब जोर दिया था राइम पर। द राइम वॉज लेस और नॉट इन प्रैक्टिस इन ओल्ड इंग्लिश पोएम्स, यानी पुरानी अंग्रेजी कविताओं में तुकबंदी कम या ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। हाउएवर, तो भी एलिट्रेशन वॉज नॉट और टोटली रिप्लेस्ड बाई राइम, यानी कि अनुप्रास को छंद द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया या टोटली पूरी तरीके से किया गया था। एंड इट रिमेंड इन यूज साइड बाई साइड, लेकिन यह साइड बाई साइड यानी अलग अगल बगल उपयोग में होता रहा। बट लेस कॉमन देन राइम, लेकिन छंद की तुलना में कम कॉमन था, यानी बहुत ही आम था। सम मिडिल इंग्लिश पोइट्स, कुछ मिडिल इंग्लिश पोइट्स थे, कवि थे, प्रैक्टिस्ड राइमिंग पैटर्न, उन्होंने राइमिंग पैटर्न की प्रैक्टिस की थी, उसका अभ्यास किया था। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, तो किसके साथ अभ्यास किया था? एलिट्रेशन के साथ, इन द पोएम्स, कविताओं में। द परफेक्ट यूज ऑफ राइमिंग पैटर्न, राइमिंग पैटर्न का जो परफेक्ट यूज था, इज फाउंड, उसको पाया गया इन जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। जेफरी चौसर्स का एक वर्क है जिसका नाम द कैंटरबरी टेल्स है, उसमें राइमिंग पैटर्न का यूज किया गया था। हेडिंग नंबर सेकंड है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी धार्मिक प्रभाव। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान, मोस्ट ऑफ द प्रोज वर्क, ज़्यादातर जो प्रोज वर्क थे एंड ड्रामाज, जो ड्रामास थे, हैड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, वो धार्मिक प्रभाव रखते थे। द करेक्टर्स वर ऑल्सो रिलेटेड टू रिलीजियस बैकग्राउंड, इसके जो करेक्टर्स होते थे, मतलब जो पात्र होते थे, वो रिलेटेड संबंध रखते थे रिलीजियस बैकग्राउंड से, यानी धार्मिक पृष्ठभूमि से उनका संबंध था। दे टॉट रूल्स ऑफ लाइफ, वो टॉट मतलब शिक्षा देते थे, रूल्स ऑफ लाइफ जीवन के नियमों की शिक्षा देते थे, मोरलिटी एंड रिलीजियस सर्मन्स की शिक्षा भी दिया करते थे। एंड द मिराकल प्लेज, और जो मिराकल प्लेज थे, और सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स थे ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस, धार्मिक प्रभाव के एग्जांपल्स थे। हेडिंग नंबर थर्ड, द इमरजेंस ऑफ एंटी रिलीजियस टोन इन राइटिंग, यानी राइटिंग में एंटी रिलीजियस स्वर का इमरजेंस होना, उद्भव होना। दो, यद्यपि
मैनी टेक्स्ट हैड रिलीजियस टोन, कई प्रकार के जो टेक्स्ट थे हैड मतलब रखते थे, रिलीजियस टोन को रखते थे यानी धार्मिक स्वर को रखते थे, और सब्जेक्ट मैटर और विषय वस्तु भी रखते थे। सम ऑफ द राइटर्स, कुछ लेखक ऐसे थे लाइक मतलब जैसे कि जॉन वाइक्लिफ, रेज्ड वॉइस, इन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाया अगेंस्ट के खिलाफ, तो अपनी आवाज़ को किसके खिलाफ ऊंचा उठाया इन्होंने, रिलीजियस यानी धर्म एंड रिलीजियस आइडियाज, धार्मिक विचारों के खिलाफ, इन देयर राइटिंग्स, अपनी राइटिंग्स में। जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल, जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेट किया था इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, थिंकिंग दैट, यह जानते हुए ऑल द पीपल कुड रीड इट, कि सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। दो, यद्यपि रीडिंग द बाइबल यानी बाइबल का जो पढ़ना था बाय द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के द्वारा जो बाइबल का पढ़ना था, वॉज नॉट अलाउड यानी कॉमन पीपल को नॉट अलाउड, बाइबल को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के दौरान। हेडिंग नंबर 4, बिगनिंग ऑफ द ड्रामाज, ड्रामा की शुरुआत। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली प्रेज्ड, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को हाईली प्रेज्ड किया गया फॉर मिराकल एंड मोरलिटी प्लेज, मिराकल और मोरलिटी प्लेज के लिए। इन दिस पीरियड, इस काल में द ट्रेडिशन ऑफ बोथ राइटिंग ड्रामा एंड एक्टिंग ऑफ देम इन पब्लिक बिगेन टेकिंग शेप, यानी कि नाटक लिखने और उसका सार्वजनिक रूप से अभिनय करने दोनों की परंपरा शेप ले रही थी, आकार ले रही थी। मिराकल प्लेज वर सीरियस, जो मिराकल प्लेज थे वो सीरियस थे यानी गंभीर थे, एंड हैड रिलीजियस इंटेंशन, और रिलीजियस इंटेंशंस रखा करते थे यानी कि धार्मिक इरादे रखा करते थे। दे हैड द करेक्टर्स, वो पात्र रखा करते थे फ्रॉम द बाइबल यानी बाइबल से, यानी उनके जो पात्र थे वो बाइबल से लिए जाते थे। मोरलिटी प्लेज, जो मोरलिटी प्लेज थे टॉट, वो शिक्षा दिया करते थे, किसकी शिक्षा दिया करते थे, मोरल लेसन्स की शिक्षा दिया करते थे। एंड हैड अब्स्ट्रैक्ट करेक्टर, और अब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स मतलब निरर्थक पात्र रखा करते थे, लाइक जैसे कि वर्चू, ग्रीड और वॉइस ईटीसी, इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट करेक्टर्स को वो लोग रखा करते थे। हेडिंग नंबर लास्ट है प्रिंटेड टेक्स्ट। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कैक्सटन प्रिंटेड प्रेस, यानी कैक्सटन प्रिंटेस प्रिंटेड प्रेस के आविष्कार के बाद इन 1476 में, मोस्ट ऑफ द मेजर बुक, ज़्यादातर जो बुक्स थी एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और पांडुलिपियाँ थीं ऑफ द अर्लियर बुक्स, शुरुआती किताबों की, वर प्रिंटेड, वो प्रिंट की गई थी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा गया था इन मैनी मेजर सिटीज़, कई प्रमुख शहरों में। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, कई स्कूल और कॉलेजेस को एस्टेब्लिश्ड किया गया था मतलब स्थापित किया गया था, इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर स्थापित किया गया था, तो किसके स्थान पर स्थापित किया गया था, द मोनेस्ट्रीज, मठों के स्थान पर। एंड बुक्स वर मेड अवेलेबल फॉर द रीडर, और जो किताबें थीं वो रीडर्स मतलब पात्रों के लिए अवेलेबल थी मतलब उपलब्ध थी। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सिलेबस से संबंधित जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।